जम्मू में एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार और गोला बारूद को बीएसएफ द्वारा बरामद किए जाने के एक महीने बाद शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नामक में एक और पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के बीएसएफ के जवानों ने आज सुबह करीब 4:30 बजे देखा गया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने बीओपी आबाद के पास ड्रोन पर गोलाबारी की, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस चला गया। उन्होंने आगे कहा कि इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे बीएसएफ सैनिकों द्वारा डेरा बाबा नानक इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। बीएसएफ सूत्रों ने कहा कि बीएसएफ ने बीओपी आबाद के पास ड्रोन पर गोलाबारी की, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस चला गया। बीएसएफ ने इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। यह 14 मई को सीमा सुरक्षा बल द्वारा जम्मू के सांबा सेक्टर में एक FA-47 राइफल, एक पत्रिका के साथ 9 मिलीमीटर की पिस्तौल और एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए 15 राउंड के बाद आया है। इससे पहले 24 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने 2 ड्रोन, यूएवी और गोलाबारी करके पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ड्रोन घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर दिया था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान की ओर से प्रवेश करते हुए देखा और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। बीएसएफ द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि आज बीएसएफ के जवानों ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। आज सुबह के घंटों के दौरान 2 ड्रोन, यूएवी और पाकिस्तान की ओर से प्रवेश करते देखा गया और तुरंत उन पर गोलाबारी की गई। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने उसे पाकिस्तान के इलाके में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।